दोस्तों ये है 2021 वेरिएंट बजाज पल्सर 150 BS6 मॉडल, जो कि बजाज कंपनी के एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक में से एक है। और इसमें 2021 वेरिएंट बजाज पल्सर 150 में आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको कुछ नए स्टिकर और ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि कंपनी ने अपनी 2021 वेरिएंट बजाज पल्सर 150 में इंस्टॉल किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टैंक और टैंक काउल पे आपको कुछ ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसके 2021 वेरिएंट में इंस्टॉल किए गए हैं। और जो स्क्रीन पे आप कलर देख पा रहे होंगे ये है ब्लैक विथ सिल्वर कलर, जिसे आप ब्लैक कलर भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ब्लैक विथ ब्लू, ब्लैक विथ रेड और रेड विथ ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने इसके ब्लैक विथ रेड कलर का रिव्यू किया, जिसमें आप सभी का बहुत प्यार मिला। और जैसा कि हम आपसे बोलते हैं कि हम जिस किसी भी बाइक का रिव्यू करते हैं उसके सारे कलर वेरिएंट का रिव्यू करते हैं, ताकि आप घर बैठे अपनी मनपसंद बाइक का मनपसंद कलर चूज कर पाए। तो आज ये हमारे पास ब्लैक विद सिल्वर कलर में मौजूद है और आज हम करेंगे इसका रिव्यू ए टू जेड। हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं डिटेल में, क्या नई चीजें इसमें आपको देखने को मिलती हैं, क्या नए फीचर्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं और अब आपको इसकी ऑन रोड प्राइस कितने रुपए में देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर के भी। दोस्तों वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा और चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट लगातार मिलती रहे। तो स्क्रीन पे आपके सामने है बजाज पल्सर 150 BS6 2021 वेरिएंट और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं नए ग्राफिक्स के साथ में। टैंक काउल पे आपको मैट फिनिश में ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसके नए चेंजेस में आते हैं और आज हम इसी के बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे आपके सामने है न्यू बजाज पल्सर 150 BS6 2021 वेरिएंट और जो स्क्रीन पे आप कलर देख पा रहे होंगे ये है ब्लैक विद सिल्वर कलर, जिसे आप ब्लैक कलर भी कह सकते हैं। बाइक आपको पूरी ब्लैक कलर की देखने को मिलेगी, बट जो ग्राफिक्स हैं, जो स्टिकर्स हैं, वो आपको सिल्वर कलर के देखने को मिलेंगे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कलर वेरिएंट कितना ज्यादा पसंद आता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसके प्राइस की, जो कि आप सभी का पहला सवाल होता है, तो गौर से सुनिएगा। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 99,418 रुपीज यानी 99,418 रुपए देखने को मिलेगी, कंप्लीट एक्स शोरूम प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज की। जो इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस है वो हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन की, तो फ्रंट से हम शुरू करते हैं। तो फ्रंट में जो आपको ब्रेक मिलता है, यहाँ पे आपको 260 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है और इसमें आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट। तो नो डाउट आपको ABS का सपोर्ट मिलता है तो ब्रेकिंग आपकी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। साइड पे आपको साइड रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है, जो कि BS6 के अपडेट में आता है और ये साइड रिफ्लेक्टर नाइट के टाइम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। फ्रंट का जो टायर है वो आपको 80x100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा, तो फ्रंट का टायर आपको ट्यूबलेस मिलता है। वहीं अलॉय व्हील पे आपको सिल्वर कलर के स्टिपिंग देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा स्पोर्टी बनाते हैं। फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 31 mm का कन्वेंशियल फॉर्क देखने को मिल जाता है, तो सस्पेंशन क्वालिटी आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है और पल्सर सीरीज की सभी बाइक में आपको सस्पेंशन की क्वालिटी काफी बेहतर मिलती है। जो इसका हेडलैम्प है वो आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, जो कि आपको AHO सिस्टम पे बेस्ड मिलेगा, यानी ऑलवेज हेडलैम्प ऑन। जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करके बाइक को स्टार्ट करते हैं आपका हेडलैम्प ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है, तो विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको पायलट बल्ब भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं। फ्रंट से इसका लुक और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है इसके पायलट बल्ब की वजह से। और वहीं हम इसके इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले सुपर फ्लेक्सिबल इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, जिसको आप जितना भी मोड़े भी ये टूटते नहीं है। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी आपको काफी लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलती है। और यह है इसका मेन मीटर कंसोल, जो कि आपको रेगुलर डिजाइन का सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको टैकोमीटर एनालॉग देखने को मिलता है। उसके साथ ही आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, वॉच, ये सारी चीजें आपको डिजिटल देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, एक छोटा सा डिजिटल सेटअप इसमें दिया गया है, जिसमें आप अपना ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी चीजें देख पाएंगे। और यहीं पे आपको एक बटन प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप अपने मीटर कंसोल से छेड़खानी कर पाएंगे, यानी अपने मीटर कंसोल में ट्रिप को सेट कर पाएंगे। और जो नई चीज है वो ये है कि इसमें आपको एवरेज इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है इसके मीटर कंसोल में ही। तो ये काफी सही चीज है, मीटर कंसोल में आपको एवरेज इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, बाकी मीटर कंसोल में आपको कोई नया चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, उसके साथ इसमें आपको ABS इंडिकेटर के साथ इंजन मॉल फंक्शन लाइट भी देखने को मिल जाती है।
स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार पे आपको लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच के साथ साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, तो स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर मिलती है। और ये बैक लाइट स्विचेस हैं, तो इसमें आपको नाइट के टाइम में रोशनी जलती हुई देखने को मिलती है, तो ये इसके लुक को और भी ज्यादा प्रीमियम बनाता है। राइट हैंडल बार पे आपको इंजन किल स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है, तो स्विचिंग क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर मिलती है। वहीं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, तो आप 15 लीटर तक इसमें फ्यूल फिलअप करवा पाएंगे। वहीं टैंक पे आपको टैंक पैड भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ग्रे और व्हाइट कलर की देखने को मिलेगी 3D एम्बल्ड में, तो ये काफी स्पोर्टी लगता है। वहीं टैंक के साइड में आपको पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बट यहाँ पे जो आपको पल्सर की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे आपको स्टिकरिंग में ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। पहले यहाँ पे 3D एम्बल्ड में आपको पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे अब कंपनी ने पल्सर की ब्रांडिंग को स्टिकरिंग में दे दिया है, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि कंपनी को यहाँ से 3D एम्बल्ड लोगो को नहीं हटाना चाहिए था। आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं टैंक काउल पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, नए स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको ग्रेफाइट ग्रे कलर में देखने को मिलेंगे मैट फिनिश के साथ में, तो ये इसके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। वहीं टैंक पे आपको सिल्वर कलर की स्टिपिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको कार्बोरेटर देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको FI सिस्टम देखने को मिलता है, यानी फ्यूल इंजेक्शन सप्लाई सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग फ्यूल इंजन में सप्लाई होता है, तो फ्यूल उतना ही इंजन में सप्लाई होगा जितना इंजन को जरूरत होगी। तो इससे फायदा ये मिलता है कि अब आपको इसका जो माइलेज मिलेगा थोड़ा सा बढ़ा हुआ माइलेज देखने को मिलेगा। और माइलेज की बात हो रही है तो मैं आपको इसका माइलेज बता दूं, तो इस बाइक से अगर आप एक अच्छी राइड करते हैं तो 45 टू 50 का माइलेज आसानी से ले पाएंगे, तो 45 टू 50 का माइलेज आपको इसमें आसानी से देखने को मिल जाता है। वहीं इंजन की बात करें तो इसमें आपको 149.50 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2-वॉल्व ट्विन स्पार्क्स BS6 कंप्लायंट DTSI इंजन देखने को मिलता है। जो मैक्स पावर मिलती है वो आपको 14 PS की मिलती है 8500 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो आपको 13.25 न्यूटन मीटर का मिलता है 6500 RPM पे, तो पावर और टॉर्क आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। वहीं ट्रांसमिशन में आपको 5 गियर देखने को मिल जाती है, तो टोटल 5 गियर में आपको ये पूरी बाइक देखने को मिलती है। वहीं एग्जॉस्ट पे आपको साइलेंसर पे कैटलिटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है ऑक्सीजन सेंसर के साथ में, तो ये BS6 की सारी बाइक में आपको देखने को मिलते हैं। और इंजन पे आपको स्पोर्टी इंजन काउल भी देखने को मिल जाता है, जिसपे आपको सिल्वर और ग्रे कलर की स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाती है, तो ये आपके इंजन को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करती है धूल और कीचड़ से, तो ये काफी सही चीज है। वहीं सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो सिटिंग कंफर्ट आपको काफी बेहतर देखने को मिलता है। सिटिंग कंफर्ट को लेकर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, फ्लैट सीट आपको देखने को मिल जाती है, जिसपे आपको काफी आरामदायक सीट देखने को मिलती है। वहीं आगे आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रैब रील देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक कलर का बॉडी कलर से मैच करता हुआ देखने को मिलता है। और सीट काउल पे आपको 150 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है। रियर सेक्शन में अगर हम रियर टेल लैंप की बात करें तो रियर में आपको LED टेल लैंप देखने को मिलता है एक रेगुलर डिजाइन में, तो यहाँ पे आपको LED टेल लैंप देखने को मिल जाता है। वहीं रियर सेक्शन के जो इंडिकेटर है वो आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफी भर भर के देखने को मिल जाती है। दूसरे साइड भी सीट काउल पे आपको 150 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और कुछ नए स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये इसके लुक को और भी ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। वहीं रियर सेक्शन में रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक विद RLP पैनल के साथ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जो ये संरचना देख पा रहे होंगे ये RLP पैनल है, इस चीज का गौर कर लीजिएगा, यानी रियर व्हील लिफ्टअप प्रोटेक्शन, जो कि आपके अचानक से ब्रेक लेने पे पिछले पहियों को उठने से रोकता है, तो ये RLP पैनल है, इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा। वहीं रियर सेक्शन में आपको टायर की बात करें तो रियर में आपको 100x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, तो टायर आपको काफी बेहतर मिलता है। वहीं जो अलॉय व्हील पे स्टिपिंग मिलती है वो आपको सिल्वर कलर की देखने को मिलती है, और जो रियर सेक्शन के सस्पेंशन है वो आपको ट्विन शॉक अब्सॉर्बर गैस फिल्ड विद कनिस्टर देखने को मिल जाता है, तो सस्पेंशन क्वालिटी आपको काफी ज्यादा बेहतर मिल जाती है। जो इसका एग्जॉस्ट है वो आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा, काफी स्पोर्टी एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जिसपे आपको ब्लैक कलर का मफलर कवर भी देखने को मिल जाता है, तो ये काफी सही लगता है। और किक भी देखने को मिल जाती है, तो इनकेस अगर आपकी बैटरी कभी डाउन हो जाती है आप किक से भी इस बाइक को स्टार्ट करके ऑपरेट कर पाएंगे, तो ये काफी सही चीज है। तो लगभग सारी चीजें हो गई, बात कर लेते हैं थोड़े से इसके डायमेंशन की। तो इसकी जो लंबाई है वो आपको 2055 mm, हाइट 1060 mm, चौड़ाई 765 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, व्हील बेस 1320 mm, और जो कर्व वेट है वो आपको 148 kg का देखने को मिलेगा, तो 148 kg की आपको ये पूरी बाइक देखने को मिल जाती है। और लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की। तो इसकी एक्सोरूम प्राइस हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसकी एक्सोरूम प्राइस आपको 99,418 rupees देखने को मिलेगी, कंप्लीट एक्सोरूम प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज की। वहीं जो इसकी ऑन रोड प्राइस है वो आपको 1,14,000 to 1,15,000 rupees, यानी 1,14,000 से 1,15,000 rupees के बीच में देखने को मिलेगी, कंप्लीट ऑन रोड प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज।
राज की। तो ये थी इस बाइक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।